हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और इस वक्त आपको बड़ी खबर देते हैं। बड़ी खबर आ रही है जहां पर सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायरिंग की दो जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है जिसमें दो जवान शहीद हुए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तानी फायरिंग में दो जवान शहीद हुए। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का लगातार उल्लंघन किया जाता रहा है और पाकिस्तान ने एक बार फिर सीमा पर दो जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया है जिसमें दो जवान शहीद हुए। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर पाकिस्तान बार बार हमेशा की तरह दलीलें तो देता है लेकिन सीज फायर का उल्लंघन भी करता रहता है। खुद को पाकिस्तान बताने की कोशिश करता है लेकिन सीज फायर के उल्लंघन से बाज नहीं आता है पाकिस्तान और सीमा पर पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है और पाकिस्तानी फायरिंग में दो जवान शहीद हुए। आपको बता दें, सुंदरबनी में पाकिस्तान ने फायरिंग की है। बीती रात पाकिस्तान ने करीब 40 मिनट तक फायरिंग की थी। पाकिस्तान के फायरिंग में दो भारतीय जवान शहीद हुए हैं और सुंदरबनी इलाके में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है और बीती रात पाकिस्तान ने करीब 40 मिनट तक फायरिंग की थी और लगातार पाकिस्तान एक्सपोज होता रहा है। भारत की तरफ से पाकिस्तान के चेहरे पर जो नकाब है उसको बार बार हटाया जाता रहा है। किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उनको पनाह देता है, बार बार भारत पूरी दुनिया को उसका असली चेहरा दिखाता रहा है लेकिन पाकिस्तान बाज आता नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने और सुंदरबनी में पाकिस्तान ने 40 मिनट तक पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। सीज फायर का उल्लंघन किया गया और दो जवान पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल भी आपको बता दें, कल भी आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई थी जिसमें दो जवान शहीद हुए थे और आज फिर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। अजय बाशु जुड़ गए हमारे साथ। अजय, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? अजय, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी आदर्श, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? सीज फायर का उल्लंघन एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से। जी बिल्कुल, जो गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात जो है पाकिस्तान ने जम्मू के नौशेरा सेक्टर में फायरिंग की है। हालांकि एक फायरिंग छोटे हथियारों से थी, बड़े हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इसमें जो है करीब 40 मिनट की फायरिंग चली है और इसमें भारतीय सेना के दो जवान जो है उन्हें पहले गंभीर चोटें आई और जैसे उन्हें उपचार के लिए नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया वहां इन दोनों जो सैनिकों ने अपनी अंतिम सांस ली। हालांकि सीज फायर बहुत ज्यादा नहीं चला है लेकिन नुकसान इससे काफी हुआ है और जिस तरह से हम आदर्श पिछले दो दिनों की अगर बात करें तो एक हमारा सैनिक जो है वो पूंछ में शहीद हुआ है और दो सैनिक यहाँ शहीद हुए हैं नौशेरा सेक्टर में। तो लगातार पाकिस्तान जो है घुसपैठ की मंशा से इस तरह की फायरिंग कर रहा है और जो अग्रिम चौकियों पर भारतीय सेना के जवान तैनात रहते हैं उन्हें निशाना बना रहा है और भारतीय सेना भी पाकिस्तान के इस नापाक साजिश का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जी अजय, लगातार हम अपने दर्शकों को बताते भी रहे हैं, खबरें भी दिखाते रहे, नगरोटा में जिस तरह से आतंकियों को मार गिराया गया, उन आतंकियों ने किस तरह से भारत में प्रवेश किया था वो भी एबीपी न्यूज पर सबसे पहले हमने दिखाया था अपने दर्शकों को। एक्सपोज होता रहता है पाकिस्तान लेकिन बाज नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से। ऐसे में जो सिक्योरिटी है उसको और बीफअप करने की तैयारी हो रही है क्योंकि लगातार कोशिशें जारी है। हालांकि हमारी जो सेना है, हमारे जो सुरक्षा बल है वो जवाब मुंह तोड़ दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देखिए जो सुरक्षा तंत्र है बॉर्डर पर, चाहे वो एलसी हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, उसको दो वजहों से यहाँ पर काफी चौकस किया गया है। पहली कि डीडीसी इलेक्शन, जिला विकास परिषद के इलेक्शन कल से होने हैं तो ऐसे में लगातार आदर्श पाकिस्तान की जो मंशा है वो लगातार सामने आई है, घुसपैठ कराकर वो इन जो है चुनावों में खलल डालना चाहता है। तो ऐसे में सुरक्षा तंत्र पहले से मजबूत है और दूसरा ये कि जिस तरह से जो टनल निकली है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उसके मद्देनजर भी बॉर्डर पर पूरी तरह चौकसी बरती गई है लेकिन पाकिस्तान जो है स्मॉल आर्म फायरिंग करके और इस तरह की नापाक साजिशों को अंजाम देकर जो अग्रिम चौके हैं उन्हें खासकर निशाना बना रहा है जिसपे इस तरह का नुकसान जो है वो भारतीय सेना को उठाना पड़ा है। जी जी, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। अजय बाशु पूरी जानकारी दे रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। सुंदरबनी में कल बीती रात पाकिस्तान ने करीब 40 मिनट तक फायरिंग की है, दो जवान शहीद हुए।